आपने क्या कहते हैं मनीषा को अपनी शरण में लेने का फैसला किया है, क्या लेकर, क्या विचार लेकर, क्या फैसला किया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, जो मनीषा है यो मेरे इलाके का, मेरे एरिए का लड़का है, जजमान जैसे हमारे होते हैं हमारे शहर का। तो इसकी साथ जो मैंने कल देखा है मीडिया के अंदर से ने बोला है, इसकी बातों में मुझे कुछ सच्चाई नज़र आई है। जो भी इसको टॉर्चर किया गया, इसकी ज़िंदगी ख़राब करी, इसका कुल तो भंग करा है पूजा हुर्प साकिर ने, जो है वो खुसरा बना फिरता है, तो मैं उसकी करतूतों को अच्छी तरह जानती हूँ। कौन कौन सी करतूतें वैसे उमर साकिर और पूजा की जो आप बात करते हो? उसकी करतूतें ये हैं जी, एक उसने गैंग बना रखा है, वो गरीब बच्चों को गुमराह करता है और उनका गुप्त अंग भंग कर देता है। अभी गुप्त अंग जो उनने भंग किया था अभी एक लड़के का, तो उसकी मैं साक्षी गवाह हूँ। अभी कोर्ट ने उनको सजा दी है 4 साल की, तो जमानत पे वो आ रहे हैं, जेल के अंदर रहे हैं वो 5 महीने 18 दिन। तो अब दोबारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जो उनको सज़ा मिली है वो तो बरकरार है कोर्ट की तरफ से, तो वो अपनी सज़ा काट के आएगा। तो वो गलत बंदा है, वो कामयाब नहीं है, उसका हमें विश्वास है। वो गुप्त अंग काटता है, पूरा गैंग है, फिर बच्चों को बेच के आता है। यानी कि मनीषा के साथ जो कुछ हुआ है ये सही है? हाँ, जो इसकी मनीषा और मनीष के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट उसको सख्त से सख्त कानून अपना कोई ऐसा निकाले, उसको जल्दी से गिरफ्तार करे और उसको अंदर दे, ताकि आने वाली नस्लों की जो भी हैं बच्चे उनकी जान बच सकें, वो अपनी अच्छी ज़िंदगी काट सकें। मान जी, जैसा कि इन्होंने जब उस गैंग में थे या उस साइड में थे पूजा के साथ, तो आपके बारे में बड़ा कुछ उल्टा सीधा बोलते थे ये मनीषा बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते थे कि आप लोगों ने हमले करवाए, सारा कुछ आपका है। अब आपको लगता नहीं कि इनको साथ में लेकर या जिस तरह आप इनको अपने शरण में ले रहे हो, कल को आपके लिए नुकसानदायक हों, उनके मोहरे हों? देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसको पूजा को, उसकी करतूतों को, उसके कारनामों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसने इसको मोहरा बनाया, भाई मैं इसको मार दूंगा या हाथ पैर तोड़ दूंगा, जैसे इसका लिंग परिवर्तन करा है उसने, इसलिए करा है भाई हमें फंसाए, हमारा नाम ले। वो चाहता है, हमें धमकी देता भी कोर्ट के अंदर जो है आपकी गवाही है, आपका केस है, आप वो वापस लो। सिर्फ उसकी कहानी यहाँ तक, वो अपने स्वार्थ के लिए इसको इस्तेमाल किया उसने, पूजा ने, उर्फ साकिब ने, मनीषा को। जो उनके साथ और लोग भी काम कर रहे हैं उनका भी यही कहानी है, मतलब जैसे मनीषा ने बताया, वो लोग जो लोग हैं उनके भी मतलब लिंग परिवर्तन हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बावजूद भी वो उसके खिलाफ नहीं है? नहीं, ऐसे है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो डराता है, उसके पास बदमाशों का गैंग है, डॉक्टर का गैंग है, हर चीज़ का पूजा के पास गैंग है, वो उसके साथ रहते हैं, वो जितने भी हैं सब नकली हैं। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, गवर्नमेंट उनका मेडिकल कराए तो सारे ही नकली मिलेंगे, सबके लिंग परिवर्तन मिलेंगे, आप कोई उनमें ओरिजिनल महंत नहीं है। आप इनको इंसाफ कैसे दिलवाओगे फिर? इनको ऐसे इंसाफ दिलाऊंगी, देखो मैंने कल इनकी मीडिया के अंदर देखा, इनकी कहानी सच्ची लगी है। मेरे शहर के बच्चे हैं बेचारे, मैंने इनको बुलाया, मैं कहा बेटा अपना सुनाइए आपको क्या हुआ, इन्होंने सारी कहानी बताई, तो मैं इनकी कहानी पे मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि मैं उसको पूजा को, उसकी करतूतों का अच्छी तरह जानती हूँ। पूजा लिंग परिवर्तन कराता है हर एक बच्चे का जो उसके पास जाता है, पामे वो लड़का हो, पामे ट्रांसजेंडर हो, पामे वो डांसर हो, कोई भी हो, पूजा का बिजनेस है, पूजा का यही काम है अपना लिंग परिवर्तन कराना और उनको आगे बेचना, और जैसे किसी को ब्लैकमेल करना, जैसे मैं हूँ, मैं ज्योति महंत हूँ, इन्होंने किसी लड़के का लिंग परिवर्तन करा, खुलासा हुआ उसका, मैंने जाकर कोर्ट में गवाही दी, ठीक है जी, तो उसके बाद उनको सज़ा मिली 4 साल की। अब वो चाहते हैं भई या तो मुझे भी मरवा दें, या मैं अपना गवाही वापस ले लूं, या इन बच्चों को जैसे वो ज़िंदगी ख़राब करता है, इनका लिंग परिवर्तन काटता है, मेरे को फंसाना चाहता है, भई ज्योति हार मान जाए, लेकिन नहीं, मैं कानून के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। लेकिन सवाल वही है कि बार बार आप कह रहे हो कि तो वो आपका भी दुश्मन है, आपका ही कहना कि आपने पहले भी एक दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपकी जान को खतरा है। हाँ जी, वो मरवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, कहीं ये मोहरा तो नहीं है? नहीं नहीं, मोहरा नहीं, मैं उसकी करतूतों को, काली करतूतों को मैं पूजा के उप साकिर की अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वो खुद नकली है, वो ये काम करता है। इसकी साथ बहुत बुरी हुई है, इस बच्चे के साथ, अब कहाँ जाएगा ये बच्चा, इसका भविष्य तो कुछ भी नहीं रहा, ना ये लड़का रहा ना ये लड़की रही, किसी विधि में नहीं रहा, क्या करें, चलो
मेरी सेवा करेगा, इसको इंसाफ दिलवाऊंगी, इनमें भी कोशिश करूंगी इसको इंसाफ दिलाने की, हैं, हमें अपने कानून के ऊपर पूरा विश्वास है, इसको इंसाफ मिलेगा और उनको जितनी भी सजा हो सके बड़े से बड़ा हमारा कानून इस चीज़ की देगा, और हमारा कानून आगे के लिए इस बात को भी देखेगा भाई आगे बच्चों की ज़िंदगी और किसी ख़राब ना हो। हाँ जी, जय हिंद जय भारत। मैं मनीषा महंत, मैंने जो अपना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पूजा द्वारा मेरा लिंग परिवर्तन किया गया और मुझे अनेक तरह की यातनाएं देगी, है ना। और जब मुझे लगने लग गया कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप मुझे मारकर, ठीक है ना, और उनकी जिनके साथ और किन्नरों के साथ लड़ाई या झगड़ा चल रहा है उनको फंसाने की वो कोशिश करने वाले हैं, तो मैं वहाँ से पूजा उर्फ उमर साकिर, जो उत्तर प्रदेश का वो बंदा है, नकली हिजड़ा है, और वो सब जितने लड़के होते हैं उन सबको गुप्तांग भंग करके अपनी गैंग में शामिल करता है और उनको तरह तरह की यातनाएं देता है, उनको प्रताड़ित करता है और किसी को ना बताए इसकी वो धमकियां देता है कि तुम कल को मेरेंगे आवाज़ उठाते हो। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, मैं ज्योति माता जी की शरण में आ चुकी हूँ, है ना, और मुझे पेट को पालने के लिए मुझे रोटी भी चाहिए, ठीक है, और रोजी रोटी कमाने के लिए अब जब मैं ज्योति माता जी के एरिए में घूमूंगी, ठीक है, अपना क्या कहते लोगों के घर में जाऊंगी रोजी रोटी कमाने के लिए, है ना, तो अगर मेरे ऊपर पूजा उर्फ उमर शाकिर जो जनता चौक में रहता है, जिसने मेरे ऊपर पहले बहुत ज़्यादा हमले करवाए और मुझे बहुत ज़्यादा यातनाएँ दी, उसने मुझे अपना, ठीक है ना, मारा पिटा, ठीक है, और मुझे धमकियाँ भी देता है कि अब तो जहाँ भी हमें दिखेगी तुझे हम गोली से उड़ा देंगे, अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटनाएं वापरती है या मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना होती है, मुझे अपनी जान का खतरा है, है ना, मेरे पर कोई गोली चलाता है ना, या मुझे कोई मार देता है, तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पूजा उर्फ उमर शाकिर, जो कि एक नकली हिजड़ा है, वो होगा। और मैं प्रशासन से भी गुहार लगाती हूँ कि मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए, पूजा उर्फ उमर शाकिर जो यूपी का बंदा है, जनता चौक में रहता है, इसका मेडिकल करवाया जाए, इसकी गैंग में जितने बंदे भर्ती इसने किए हुए हैं जो नकली हिजड़े हैं, उन सब का मेडिकल करवाया जाए। और मैं न्यायपालिका से ये मांग करती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ, पूजा ने मेरी जो ज़िंदगी ख़राब की है ना, मुझे उसका इंसाफ दिलवाया जाए, पूजा को सलाखों के पीछे लिया जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जय हिंद जय भारत।